कि आदि पुरुष के लिए, आदि पुरुष के लिए बहुत ज्यादा मिले जुले रिव्यूज आए। मेरा सच्ची बताऊं, मेरा पर्सनली दिल ही नहीं था कि मेरे बच्चे देखें। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज दिन है फ्राइडे का और आज बना दी है फिर तोरी, और बच्चों को आज तंग नहीं करेंगे, बच्चों के लिए आलू उबाल दिए हैं, आलू की परोठी खिला दूंगी, सारा काम हो चुका है। बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए। और कल आने वाली है गुरदीप, उससे मिलवाऊंगी आपको। बड़े टाइम लटकता रहा प्रोग्राम, कल बनेंगे छोले भटूरे। कुनाल, छोले भटूरे की रेसिपी भी आएगी और छोलों की रेसिपी दे दूंगी, क्योंकि तृप्ति राज भी मांग रही थी और निहारिका को तो चाहिए ही है। उसके लिए स्पेशल मसाला चाहिए होता है, मैं जैसा पहले बता चुकी हूँ, जो दिल्ली वाले हैं, अगर नहीं तो मुझे इंस्टा पे आप डीएम करके पूछ लीजिए, मैं बताऊंगी कहाँ से मसाला मिलता है। ऑनलाइन भी शायद वो लोग भेजते होंगे। देखो कौन आ गया। याद कर रही थी। हेलो करो। हेलो क्रेजी फैम। हेलो क्रेजी फैम, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप? पूछो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आपको याद आई थी? किसकी याद आई थी? हाउसी में ये चली गई थी, बताया। आज भी आई है ये यहाँ पर, हाथ आ रहा था कहाँ पे? किसको याद आई, किसकी याद आई थी सबसे ज्यादा? टूटा हुआ साज हूँ मैं। और अभी हम एक चीज कर रहे हैं जो सना शौर्य कल रात को कर रहे थे, चाची निगा की वो वीडियो में भी दिखाते हैं। क्या देखा कि ये कान में एयरबड्स लगा के ना कुछ कर रही थी, और ये कह रहा अच्छा ये तो ये गाना सुन रही है। मैं कहा तुझे कैसे पता? क्योंकि वो डांस कर रही थी। मुझे नहीं समझ आया टाइप है ना, मतलब हाँ मतलब कुछ कर रही थी वो, तो अब कौन सा गाना था? चलो सबसे पहले आप करो। आज मैं करूंगी सबसे पहले आप, और आज बड़े टाइम से कल से मैं इसको बोल रही हूँ ये वाला तो कट नहीं करना। चलो सब अपने अपने गाने चूज कर रहे हैं। मैं अपना गाना पहले डिसाइड करके रख लो। नॉर्मली सोचा मुझे सब गाना आते हैं, इसको किसने कह दिया मुझे गाने नहीं आते? हम अपनी जवानी में पता क्या क्या गाने गाए हुए हमने। सबसे पहली प्लेयर है चाची, मिनट का टाइमर है, 3 2 1 गो। हवन करेंगे नहीं थोड़ा चम्मक चलो मैं ठीक कर रही हूँ, चलो मैं पता नहीं मुझे ठीक कर रही, पर यही था कौन सी शामिल यही था गल्ला गुड़िया ही है। वैसे भी किस लाइन में आ गए आप? हाँ, जगह सारा बिखर गया। नहीं नहीं ये उसका नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मैं वो नहीं कर रही, मैं वो नहीं कर रही। क्या कर रहे हो? मैं चल छैया 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 छैया। चलो अब सेकंड बारी है शौर्य की। शौर्य अच्छा करेगा है ना, और ये बेटा कम चार्ज नहीं है बताया ना। वो समझ ही नहीं, बात को आधा घंटा समझाने में लग गई। जैसे आप बाकी सब नहीं, तो मैंने किसी को देखा ही नहीं हो। अच्छा, तो फिर करना है कि नहीं करना? ये कर लूंगा। चलो सना हटो, देखो मैं चीटिंग मत करो। ईयर की जरूरत नहीं है वैसे मेरे। हाँ लेकिन वो साथ साथ चल रहा था ना, तो ऐसे ऐसे पूरा गलत करा। छैया छैया का ये स्टेप होता है, मैंने पूछा तूने। चलो छैया छैया, तू तो लग भी शाहरुख खान ऐसे बोले बनके बैठे। शाहरुख खान ही है उस गाने में। ये बच्चों की मूवी का गाना है ये, वो मूवी नहीं बता मेरे को, मूवी मुझे बता, चुप रहो। सात खून माफ, बकवास कर एक बार, बाजीगर बाजीगर नहीं यार, दीवाना दीवाना। तुमनी निंदी तुमनी को, ये गाना किसका है? दंगल नंगजे चिंगडी तो चेन्नई एक्सप्रेस इसका। हाँ यार ये छैया छैया गाना किसका, तो शर्म की बात है। चलो 3 2 अच्छा शेड लगा दी। चलो चल मैं तो समझ जाऊंगा। 3 2 1 गो। उसको मस्त है रमैया बता भैया रमैया बता। 1 2 3 4 गेट ऑन, वो नहीं है। 1 2 का 4 4 2 माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन। चलो अब सना की बारी। और सुखमणि तब से कोने में खड़ी है इधर। सुखमणि को फिश देखे जाते हैं। सुखमणि इधर आओ। अब दीदी डांस करेगी, वो हमने गेस किया। अब आप गेस करो कौन सा गा। सॉन्ग पे डांस करिए, ठीक है? चलो 3 2 1 गो। चल कर कर कर। उस दिन थोड़ा अच्छा लगा। एक तो आना लो। अच्छा। ओ ये सिगर, ओ ये सिगर, तो मुझे
चिंता था चिंता चिंता कुणाल की बात है। सुखमनी आप भी सोच लो कौन सा करोगे, ठीक है? सोच के रखो, डांस करना है फिर हम गेस करेंगे। ये क्या है? आई एम अ डिस्को डांस, डिस्को सॉन्ग है ना? डिस्को। एक बार गाना कौन सा? मैंने तो आई एम अ डिस्को डांसर बोला। करके दिखाओ, तीनों करके दिखाओ। डिस्को डिस्को दीवाने। तोरी खाते हो? तोरी तोरी तो आपकी फेवरेट होगी। आज तो खानी मिलेगी। अच्छा आपकी फेवरेट क्या है खाने में चीज? फेवरेट डिश क्या है आपकी? पढ़ाई नहीं कर रहा है, हॉलिडे होमवर्क कर रहा है, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं रहा, लंच का टाइम होने वाला है। क्योंकि कल बन रहे छोले भटूरे, और ये डेयरी में मैं ऐसे पागल हुआ पड़ा है ना, मैं इतना अच्छा कैसे बना सकता हूं? आज हम चैलेंज कर ले। हाँ कर ले, कर ले, ठीक है, कर चुके ना लेकिन हम नहीं। अच्छा वो मेरा सेल्फ चैलेंज था, सेल्फ चैलेंज था। कल छोरे मेरे चैलेंज करने दोगे? कर लो। हाँ कर लो। कौन कितने भटूरे खाए यार, मैं फिर बेइज्जती कराऊंगा। क्या तेरी मेरी बात अब मैं करूं? क्या बात है? Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. अब बन रही है आलू की पराठी। और वो देखो दो मसाले बनाने पड़े, इतनी मेहनत करनी पड़ी, एक नमक और है। इसमें क्या मेहनत है? नमक डालना पड़ता है, मेहनत है। और अभी तो मैं भी नहीं खा रहा, इसमें तो मेहनत कम। अन्य मंजर कुछ है ही नहीं खाई है ना। चलो सुखमनी को टेस्ट कराएंगे। दही तो वो खाती नहीं शायद। हाँ वही। दही के बिना। दही के साथ क्यों दे दिया उसको? सॉरी। उसको मक्खन ना। कैसी है सना? सॉरी टेस्ट टेस्ट। दही के साथ नहीं। हाँ हमने आपके पे बटर डाल दिया। ये पहला बच्चा है जो कर्ड नहीं खाता। कैसा सुखमनी? नाइस। सच भी बोल सकते हो आप? सच ही है। सच बोलो। सच बोलो, कैसी लगी? अच्छी। यहाँ पे ना छोले उबलने शुरू हो गए हैं। उस दिन 3 किलो बनाए थे, 1.5 किलो बना रहे। कल आने वाली, जैसा कि आपको पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है, उसके बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के, ये बनाऊंगी। और इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ इस बार। इसके लिए एक स्पेशल मसाला चाहिए होता है, जो बार बार बोल रही हूँ, बट ये डिमांड में सबको चाहिए। ये देख के बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये उबलने के लिए 3 घंटे लगते हैं। कल अगर मुझे मॉर्निंग में बनाना है तो मैं कल नहीं सो सकती, क्योंकि 6 बजे उठ के तो मैं उबालूंगी नहीं। तो ये मैंने अभी रख दिए थे, मेरे ख्याल 7 बजे रखे थे, 8:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी इसको 1.5 आवर और लग जाएगा। अभी इसको ऐसे ही सिम गैस पे ये उबलते हैं। उबलने का मेन टाइम है, उसके बाद तड़के में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो मसाला हो तो आप बना सकते हैं। तो वैसे भी शॉर्ट्स की इतने तो आ ही जाएगी, बट जितना अच्छा मैं अभी बता पाऊंगी तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। और एक चीज और, कुणाल अभिनव जीजा जी ने दीदी के घर में क्रेजी फैम ट्रीज पे आपने सुने होंगे कि चिड़िया बच्चे देती है, अंडे हो जाते हैं उनके ना, कुणाल उनके वहां पे बाहर उस बालकनी में ही जो क्रिसमस ट्री नहीं जिसको सजाते हैं वो, उसी में ब्लैक स्पैरो ने अपने वो दिए हुए, वो नेस्ट बनाया। उन्होंने वीडियो भेजी, यहाँ लग चुकी होगी, मतलब वो इतना क्यूट, और उसकी वीडियो बना के मुझे भेज रहे थे कि आज ये बच्चा बाहर निकला होगा बड़े टाइम बाद। और अगर हम अभी जाएंगे उनकी एनिवर्सरी पे तो हो सकता है अगर वह उस टाइम तक बच्चा उतना ही रहा तो देख के जरूर आऊंगी। मेरा दिल तो बड़ा मिला उनसे, पर स्पेशल मिलने जाऊंगी तो सब कहेंगे पागल। और सारा दिन निकल गया, सैर भी नहीं करी क्योंकि फास्ट था, कुछ नहीं करा। अब बच्चों को कराते। और ये देख बच्चों के लिए क्या बनाया मैंने आज, ये आलू है, झटपट आलू, इसकी रेसिपी है शॉर्ट्स। और ये बनाया संजीव कपूर जी के, तो बच्चों को रोटी खिलाते हैं, रात को देखेंगे कोई मूवी बढ़िया सी, बिग बॉस देखेंगे। वो तो मैं खाते खाते देखूंगी ना, फ्रूट खाऊंगी अभी तो।
तो दिन ऐसे ही निकलते जा रहे हैं, दो दिन रह गए सना की हॉलीडेज खत्म होने में, और दो दिन तो पैक्ड है शेड्यूल बिल्कुल। कल गुरदीप आ जाएगी पूरा दिन, उसमें अगले दिन जाना मासी हाउस। आ गए हैं बच्चे खाना खाने, अब ये खाएंगे चकली आलू, नहीं चटपट झटपट आलू। इसका नाम ही लिया जाता है, मैं कहती झटपट झटपट आलू। हां झटपट झटपट आलू है ना ये, झटपट झटपट आलू। यस चलो भाई अब टेस्ट टेस्ट, सना रुकती नहीं है टेस्ट टेस्ट के लिए, पहले खा लेती है। मैंने आलू नहीं टच किया। कोई बात नहीं, रोटी का भी तो टेस्ट टेस्ट होता है। ठीक है बच्चों का डिनर हो चुका है, सना भी कर रही है, सना थोड़ी स्लो ईटर है, 32 बार चू करती है ये, वो पूरा उन चीज में बिलीव करती है। और ये खा के लेटने भी चला गया था, सूख ला के लाई हूँ। और एक चीज ये बच्चे जिद कर रहे थे कि आदि पुरुष के लिए, आदि पुरुष के लिए बहुत ज्यादा मिले जुले रिव्यूज आए। मेरा सच्ची बताऊं, मेरा पर्सनली दिल ही नहीं था कि मेरे बच्चे देखे। हमारा बचपन निकला है वो रामानंद सागर की रामायण देख के, और आज तक मैंने रामायण पढ़ी नहीं है, बट मुझे एक एक चीज पता है हमारा, क्योंकि वही संडे सैटरडे संडे आता था ना शायद, कि वो हम तैयार होके ऐसे देखते थे, और इतनी अच्छी वो, और जो रिव्यूज आ रहे हैं ना, वो जो एक दो डायलॉग था वो बहुत ही, वो जो तेरे बाप वाला, अब तो चेंज कर दिया वो। पर मैं चाहती नहीं थी कि बच्चे देखे, कि पहला इम्पैक्ट ही उनके ऊपर वो पड़े, तो मुझे तो समझ नहीं आई। आप बताइएगा मेरा डिसीजन ये राइट था या नहीं था, और किस किस ने देखा। ये लोग तो कब से बोल रहे हैं कि देखने जा, और उसके मेरे हिसाब से जो देख भी रहे लोग इसी चक्कर में देखने जा रहे हैं शायद, कि क्या दिखाया है ऐसा। लंका कह रहे हैं काली है, पूरी अंधेरा है लंका में, और हमें पता था सोने की लंका होती है, और बोल रहे एडिटिंग भी इतनी अच्छी। हाँ, कि 600 करोड़ लगा दी है। मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि मैं ये नहीं चाहती थी कि ये हमारे जो ये एक चीज बच्चे को पता होनी चाहिए पहली बार इस तरह से पता चले, क्योंकि वीडियो का इम्पैक्ट ना बहुत ज्यादा होता है। मैं मुझे बचपन में देखी हुई चीज अब तक याद है वो, कि रामायण का एक एक कि वो मतलब ये था कि मैं ये बच्चों ने रामायण कभी सुनी नहीं, इनको पता है बस कि एक बेसिक चीज ये होती है। तो पहले था प्लान वो देखने जाने का, इसी चक्कर में कैंसिल हुआ। ट्रेलर देखा था, हाँ। लगा था कि यार अच्छी लग रही है, हाँ। बच्चों को दिखानी चाहिए, इसी चक्कर में कैंसिल हुआ। ये सारे रीजन की वजह से था कि पूरी फैमिली के साथ जाएंगे, मम्मी भी साथ जाएंगे, मम्मी तो कहती है क्या। तो आप जरूर बताइएगा किस किस ने देखी और किस किस को कैसी लगी। तो हर इस मूवी में मैं चांस नहीं ले सकती थी कि मैं ऐसी चली जाऊं, और तो सॉरी बच्चों मान गए शरीफ बच्चे हैं मेरे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।